गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी के मूलभूत सिद्धांत, क्योंकि देर आर कुछ सम प्रिंसिपल हिच वी शुड अडॉप्ट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग द एक्टिविटीज ऑफ हॉर्टिकल्चर। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। उद्यान विज्ञान कृषि की वह शाखा है जो विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड हॉर्टस मीन्स गार्डन एंड कुलेर मीन्स कल्टिवेशन, टू कल्टिवेट गार्डन प्लांट्स। दैट्स मीन्स गार्डन प्लांट्स इंक्लूड्स फूड क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, ऑर्नामेंटल शर्ब्स, ट्रीज, क्लाइंबर, फ्लावरिंग एनिमल्स, बल्बुअस प्लांट्स, सकुलेंट, पाम, फर्न एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। उद्यान विज्ञान कृषि की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम उद्यान पौधों जैसे फल वाले पौधों, सब्जियों, शोभाकार पौधों में श्रब, ट्रीज, क्लाइंबर जो कि फ्लावरिंग एनिमल्स, बल्बुअस प्लांट्स, सकुलेंट, फार्म की कल्टीवेशन करते हैं। अब ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या विज्ञान विज्ञान की शाखाएं, इसके अंतर्गत निम्न शाखाएं हैं। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी इज ए डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोमम एंड लॉजी विच मीन्स साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट प्लांट्स। वी स्टडी द कल्टिवेशन ऑफ द फ्रूट प्लांट्स, द साइंस इज नोन एज पोमोलॉजी ब्रांच। दिस इज द हॉर्टिकल्चर इज आर्ट एंड साइंस बोथ। उद्यान विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि कब पौधों को किस प्रकार लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए, ये सब क्या है, कला का बोध कराती है। किस हिसाब से ट्रेनिंग करनी चाहिए, छटाई करनी चाहिए, कब फर्टिलाइजर देने चाहिए था, क्यों देना चाहिए, इस सब को लगाने पे ये साइंस का बोध कराती है कि द एक्टिविटीज व्हाई शुड परफॉर्म इन द हॉर्टिकल्चर, व्हाट एंड व्हेन शुड बी परफॉर्म। दिस जो ये टेक्निक है ये बोध कराती है विज्ञान का। सो दिस इज द साइंस एंड आर्ट बोथ। ओलरीकल्चर, सब्जी विज्ञान। दिस ओलरीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड ओलेरिस मीन्स पार्ट, हार्ब एंड कल्चर मीन्स रेजिंग ऑफ क्रॉप्स। दस रेजिंग और कल्टिवेशन आर हर्ब्स फॉर क्यूलिनरी पर्पज, जो साग पौधे पकाने के उद्देश्य से खेती की जाती है उसे हम ओलरीकल्चर कहते हैं, इस ब्रांच को हम ओलरीकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग, फ्लोरिकल्चर हस्बेंड्री ऑफ फ्लावरिंग ट्रीज, श्रब्स, फ्लावरिंग एनिमल्स एंड पेरेनियल्स, वेयर एज लैंडस्केपिंग मीन्स द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द गिवन ट्रैक्ट ऑफ लैंड, किसी भूमि के गियर टुकड़े को सजाना, पौधों द्वारा सजाना, इस टेक्निक को हम कहते हैं लैंडस्केपिंग कहते हैं, इस ब्रांच को हम लैंडस्केपिंग कहते हैं। नर्सरी हस्बेंड्री एंड ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, नर्सरी हस्बेंड्री पौधों को नर्सरी में क्या है, व्हेन वी प्रिपगेट प्लांट्स, पौधों मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट्स इन नंबर इज नोन एज प्रोपोगेशन, प्रसारण, पौधों का प्रसारण, संख्या, जब पौधों को संख्या एक पौधे से अनेक पौधे बनाते हैं या एक तरह के पौधे से अनेक तरह बनाते पौधे बनाते हैं, तो इसे इस क्रिया को हम पौधों का प्रसारण कहते हैं। दिस इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज प्लांट प्रोपोगेशन। देर आर टू मेथड, सीड एंड वेजिटेरियम, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट्स। सेक्सुअल मीन्स रेजिंग ऑफ प्लांट्स बाई सीड, वेयर एज सेक्सुअल सेक्सुअल मेथड इज रेजिंग ऑफ प्लांट्स बाई इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स। सो नर्सरी हस्बेंड्री एंड ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सॉइल कैसे मेंटेन रखेंगे, क्योंकि सॉइल जो है, सॉइल इज द मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, बेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द एवरी सक्सेस ऑफ ऑर्चर्ड और गार्डन इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। इफ सॉइल इज फर्टाइल, अगर सॉइल उपजाऊ है और इसमें पोषक तत्व विद्यमान, तो निश्चित रूप से हमारा गार्डन या ऑर्चर्ड अच्छी कंडीशन में रहेगा। तो इसलिए इसका भी महत्व है। और दिस इज द वेरी
important branch of horticulture. In this, we can earn, develop our self business also in nursery and orchard management. Fruit technology deals with the preservation of the fruits and vegetables for longer duration without deterioration in their quality. जब फल और सब्जियों को काफ़ी लंबे समय तक रखा जाता है, उनका स्वरूप चेंज करके किसी प्रकार से कि उनमें डिटेरिएशन न हो, उनमें किसी तरह की खराबी न हो, इस टेक्निक को हम फ्रूट टेक्नोलॉजी के अंदर रखते हैं, इसे फ्रूट प्रिजर्वेशन की संज्ञा देते हैं। इसके द्वारा भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर कर सकते हैं, टू अवॉइड द ग्लट इन द मार्केट। और जब कभी ग्लट होता है मार्केट में तो उसको भी अवॉइड करते हैं, जिससे उत्पादनकर्ता को सही फल एवं सब्जियों की कीमत प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से फ्रूट टेक्नोलॉजी का भी महत्व है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। एवरी ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर हैज वेरी इम्पॉर्टेंस फॉर प्रोड्यूसर ऑफ प्रोड्यूसर गार्डनर एंड सोसाइटीज। So we have to understand the importance of the every branch of horticulture, such as pomology. Pomology, I told you that pomology is the husbandry of fruits, growing of fruits plants, or cultivation of fruit plants. You see, the importance of pomology can be understood in following points. फूड वैल्यू, इसका बिकॉज द फ्रूट्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड एंड अकॉर्डिंग टू ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार एवरी एडल्ट शुड बी टेकन 100 to 140 ग्राम फूड पर डे। दिस प्रोवाइज दीज आर द सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स पेक्टिन पपेन एक्सेट्रा। विटामिन का महत्व, एवरी विटामिन, देर आर 12 टाइप्स ऑफ विटामिन, सम ए डी ई के आर फैट सेल्युबल एंड रेस्ट आर वाटर सेल्युबल एंड एवरी विटामिन हैज ए रोल फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर हेल्थ ऑफ द माइंड। सो वी शुड ईट फ्रूट। मिनरल्स, देर आर 10 मिनरल्स आर नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ माइंड। आउट ऑफ 10 मिनरल, कैल्शियम फॉस्फोरस आर नीडेड इन मच मोर अमाउंट। पेक्टिन जो है ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है फलों में, जैसे अमरूद।